सिवनी मालवा के गांधी चौक पर तेज एवं कर्कश बुलेट चलाने वाले चालकों पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान मौके पर ही वाहनों के साइलेंसर बदलने की प्रक्रिया की गई। इस प्रक्रिया के बाद थाना प्रभारी संजय चौकसे ने बुलेट चालक का माला पहनाकर सम्मान भी किया। संजय चौकसे ने बताया कि काफी दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि नवयुवक बुलेट पर परिवहन नियम के विरुद्ध अलग अलग प्रकार के तेज आवाज के साइलेंसर लगाकर मुख्य मार्गों से निकलते हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। इसको देखते हुए पुलिस ने गांधी चौक पर चालानी कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई होती रहेगी। पीछे जा पहलवान। किस प्रकार की कार्रवाई है? देखिए, लगातार शिकायतें मिल रही थी कि शहर में कई लोगों ने मोटरसाइकिलों पे अवैध तरीके से अत्यधिक ध्वनि देने वाले साइलेंसर अपनी बाइकों में लगा रखे हैं, जो आम लोगों को बड़ा कर्कश लगते थे और काफ़ी तकलीफदायक थे। हमने आज इन पर कार्रवाई की है और काफ़ी वाहनों को यहाँ पे जब्त किया है। प्रयास हमारा ये है कि वो लोग इमीडिएटली अपना गाड़ी का साइलेंसर निर्धारित मानकों के अनुसार बदलवा लें, अन्यथा उनके ऊपर एमबी एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे हम। आज तो दो त्यौहार भी हैं, मिलाद उन्नबी भी है और आपका शरद पूर्णिमा भी, इसमें पुलिस की क्या? देखिए, यहाँ पे सिवनी मालवा में परंपरागत रूप से हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिवस ईद उल मिनानुद भी आज मनाई जा रही है और यहाँ पे मस्जिद मोहल्ला गार्डन मोहल्ले में स्थानीय स्तर पे कार्यक्रम है और शासन की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है और उसी के आधार पे हमारे यहाँ पुलिस बल पे और प्रशासनिक स्तर पे अलग अलग टीमें बनाकर हमने ड्यूटी लगाई है और पूरी तरह से शांतिपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। और बाकी जो शरद पूर्णिमा का त्यौहार है, वहाँ पे शाम के टाइम पे रात को 11 बजे के बाद 12 बजे 1 बजे रात तक आज मंदिरों में प्रसाद वितरण कार्यक्रम होगा, खीर वितरण कार्यक्रम होगा, उसमें भी हमारी अलग से व्यवस्था लगी हुई है।